बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं और भोजपुर जिले की तरारी विधानसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है। यहां से सुनील पांडे के बेटे और हुलास पांडे के भतीजे को भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा है। वो सुनील पांडे जिसने मुख्तार अंसारी जैसे बड़े डॉन को मारने के लिए 50 लाख रुपए की सुपारी दी थी। वो सुनील पांडे जिन्होंने अहिंसा में पीएचडी कर रखी है, लेकिन अपनी पीएचडी के ठीक उलट बिहार के कुख्यात बाहुबलियों में इनकी गिनती होती आई है। विशाल प्रशांत इनके बेटे हैं और अब ये तरारी विधानसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में नजर आएंगे। वहीं बीजेपी ने सुनील पांडे के बेटे को टिकट देकर बड़ा दाव खेल दिया है। जानकारों की माने तो सुनील पांडे की छवि सियासी रूप से ठीक नहीं है। सुनील पांडे पर बाहुबली होने का ठप्पा लगा है। बीजेपी ने सियासी रणनीति का ख्याल रखते हुए उनके बेटे को टिकट दिया है ताकि कोई सवाल नहीं उठे। आपको यह भी बता दें कि सुनील पांडे के भाई हुलास पांडे चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर के बड़े नेता हैं। ये भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जीत इनको भी अभी तक नहीं मिल सकी है। बहरहाल आपको बता दें कि पहले भी इसकी चर्चा थी कि सुनील पांडे अब एक्टिव राजनीति नहीं करेंगे, वो बेटे के करियर पर ध्यान दे रहे हैं। सुनील पांडे के बेटे लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से समर्थन की अपील कर रहे हैं। आपको हम ये भी बता दें कि माले पार्टी के तरारी के पूर्व विधायक और आरा के नए सांसद सुदामा प्रसाद ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को करीब 59,000 मतों से हराया था, जिसकी वजह से तरारी विधानसभा सीट खाली हो गई थी और इसी वजह से इस तरारी विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी है, उपचुनाव के लिए मतदान होना है। देखना होगा कि इस बार चुनाव में बाजी कौन मारता है, क्योंकि सीट पर पीके ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। हालांकि कहा जा रहा है कि पीके को अपने उम्मीदवार का नाम वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव लड़ रहे एसके सिंह का नाम यहां की वोटर लिस्ट में है ही नहीं। तो देखना होगा कि इस पर अब क्या होता है। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।